हेलो दोस्तों, आईटीआई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस और अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। जो स्टूडेंट्स रेलवे में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो रेलवे DLW वाराणसी द्वारा कुछ रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, तो आइए देख लेते हैं एक बार। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी पोस्ट नेम इसमें आपको दिया गया है, ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई और नॉन आईटीआई स्टूडेंट्स दोनों के लिए। यदि हम बात करें इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स जो दी गई है, स्टार्टिंग डेट आवेदन करने की जो तिथि दी गई है इसमें अक्टूबर 2019 है, और लास्ट डेट जो इसमें आपको बताई गई है वो 21 नवंबर 2019 है, और आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि दी गई है वो भी 21 नवंबर 2019 ही है। यदि हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है, SC ST PH फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन इसमें आपको दिया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आपका है एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 15 वर्ष है और मैक्सिमम आपका 24 वर्ष है। एज रिलैक्सेशन जो इसमें आपको दिया गया है OBC कैंडिडेट्स के लिए 27 वर्ष है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 29 वर्ष है। यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो इसमें आपको 374 पद दिए गए हैं। इसके बाद यदि हम बात करें वैकेंसी डिटेल की, तो आइए एक बार देख लेते हैं ट्रेड एंड कैटेगरी वाइज डिटेल। आईटीआई पोस्ट जो इसमें दी गई हैं इसमें आपको दिया गया है फीटर ट्रेड है, इसके बाद कारपेंटर ट्रेड है, पेंटर ट्रेड है, मशीनिस्ट ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। यदि हम बात करें इनमें रिक्त पदों की, तो फीटर के लिए 107 पद हैं, कारपेंटर के लिए 3 पद हैं, पेंटर के लिए 7 पद हैं, मशीनिस्ट के लिए 67 पद हैं, वेल्डर के लिए 45 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 71 पद हैं। और यदि हम बात करें नॉन आईटीआई पोस्ट के लिए, तो फीटर के इसमें 30 पद दिए गए हैं, मशीनिस्ट के 15 पद दिए गए हैं, वेल्डर के 11 पद दिए गए हैं, इलेक्ट्रीशियन के 18 पद दिए गए हैं। इसके बाद जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि पे स्केल की अगर हम बात करें, तो इसमें आपका जो है पे स्केल अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत जो भी आपका निर्धारित किया गया है वो आपको दिया जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आईटीआई पोस्ट के लिए जो इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन दी गई है वो 10th+ आईटीआई आपका होना चाहिए, मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें नॉन आईटीआई पोस्ट के लिए, तो इसमें आपका 10th+ 50% मार्क्स इसमें आपके होने चाहिए। और यदि हम बात करें नॉन आईटीआई पोस्ट की, तो इसमें आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दी गई है आपका क्लास 10th पास होना चाहिए, और आपके जो परसेंटेज हैं वो कम से कम 50% होने चाहिए। इसके बाद इसमें दिया गया आपको कैसे अप्लाई करना है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू लिंक प्रोवाइडेड बिलो और दे कैन ऑल्सो अप्लाई थ्रू ऑफिशियल साइट ऑफ द रेलवे। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं अंतिम तिथि से पहले। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो कैंडिडेट नीड टू सेंड देयर बैंक ड्राफ्ट, आपको एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, और इसमें आपको इसमें दिया गया कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसमें आपको नाम देना पड़ेगा अपना, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर एंड ट्रेड, बैक साइड ऑफ द ड्राफ्ट। इसके बाद आपको किस पते पर भेजना है, पता आपको दिया गया है इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट DLW डिस्ट्रिक्ट वाराणसी, पिन कोड आपको दिया गया है 22104। इसके बाद यदि हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका ज़रूर डाउनलोड कर ले, और उसके बाद इसमें आप अपनी पोस्ट के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं।